हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बटरफ्लाई। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन का छोटा छोटा पीस करके लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे 8 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च को मैंने कूट के तैयार किया था, लाल मिर्च के बीज। और इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ेंगे और 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स करके हम 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये इसको हम 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। और इधर मैंने आलू को पतला पतला स्लाइस, ये बड़ा 2 आलू है जिसको पतला पतला स्लाइस करके हम मैंने नमक के पानी में रखा हुआ है। यह एक आलू की स्लाइस हम लेंगे फिर, और इसमें एक चिकन को ऐसे रखेंगे हम, और इसको इस तरह मोड़ के पिक की मदद से हम इसको इस तरह बटरफ्लाई की तरह शेप दे देंगे ये, और हम इसको यहाँ रखेंगे। इसी तरह हम पूरा तैयार कर लेंगे। ये इसी तरह मैंने सारा बना लिया है। अब हम इसको एक एक करके गरम तेल में छानेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये सारा हमने कढ़ाई में डाल दिया है, हम इसको धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल लिया है और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने से। आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।